सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लिंग चैप्टर को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन बहुत सारी तकनीकी असुविधाओं के कारण चैप्टर को ठीक तरह से एक तो मैं पढ़ा नहीं पाई और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी नहीं कर पाए, तो इसलिए लिंग को मैं रिपीट कर देती हूँ। और रिपीट मतलब क्या बोले तो मैं दोबारा से पढ़ाई देती हूँ, ठीक है। तो लिंग जो चैप्टर है इसको आप लोग निकाल लीजिए। देखिए, लिंग का संबंध जो है वो संज्ञा शब्दों से होता है, ठीक है। तो मतलब संज्ञा शब्द यानी स्त्री जाति या पुरुष जाति के जो संज्ञा शब्द हैं उनका जो लिंग निर्णय करता है वो लिंग कहलाता है। मतलब शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। अब ये स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध जो होता है ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये केवल इंसानों के लिए हो, ये जो है किसी भी संज्ञा के लिए हो सकता है। मतलब जैसे कि आप किसी एनिमल्स के लिए ले सकते हैं, मतलब पशुओं के लिए ले सकते हैं। फिर जो है वो जैसे लिंग आप मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग का, मतलब जो जड़ वस्तु है उसका भी ले सकते हैं, जैसे कि किताब, फिर गाड़ी, ठीक है, विद्यालय, हर एक चीज़ का लिंग जो है हिंदी भाषा में होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको लिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि स्त्री जाति पुरुष जाति तक जहाँ मतलब इंसानों के लिए है ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ये हम लोग आसानी से मतलब देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। लेकिन जहाँ पर ये जड़ वस्तुओं के लिए है वहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा लिंग किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस और इसका वैसे कोई लॉजिक भी नहीं होता है, लेकिन इतनी सारी जड़ वस्तुओं में अगर कुछ को आपका स्त्रीलिंग में रख दिया जाए और कुछ को पुल्लिंग में रख दिया जाए तो फिर एक लिंग का ही बार बार प्रयोग नहीं होगा, भाषा सुनने में मधुर लगेगी। और क्या होगा कि सभी के लिए अगर हम लिंग का प्रयोग करेंगे तो भाषा बोलने में आसानी रहेगी। इसीलिए मतलब हर एक चीज़ का जो जड़ वस्तुएं हैं उसका लिंग निर्णय किया गया है। तो ये तो बहुत आसान है कि जो पुरुष जाति के लिए जो जिन मतलब शब्द मतलब जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, ये आपको पता है, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले होते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, इसी तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो बात यह है कि कुछ विशेष बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये विशेष बातें क्या है, विशेष बातें ये है कि जो दिनों के नाम होते हैं डेज, मतलब जैसे कि आपका सोमवार, रविवार, ये फिर महीनों के नाम, जैसे कि जो है आपका मतलब जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। पहाड़ों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर सभी पेड़ों के नाम, जैसे कि आम का पेड़, जामुन का पेड़। अब ये मैं आम का पेड़, जामुन का पेड़ क्यों बोल रही हूँ, आम की पेड़, जामुन की पेड़ क्यों नहीं बोल रही हूँ। आप भी जानते हैं कि आप भी ये प्रयोग नहीं करते, आप भी इसको जामुन की पेड़ नहीं बोलेंगे, जामुन का पेड़ बोलेंगे। लेकिन आप क्यों बोलते हैं, आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। इसलिए आपने गौर नहीं किया होगा क्योंकि भाषा जो शुद्ध भाषा है वही हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर थोड़ी भी अशुद्धता आ जाए तो वो हमारे कानों में लगती है, तो तब हम उसका प्रयोग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आम का पेड़, जामुन का पेड़, ये जो प्रयोग है, ये सारे प्रयोग जो हैं ये हम नियम के अनुसार ही करते हैं, लेकिन बस हमको पता नहीं होता है कि हम किस नियम के अनुसार इसे कर रहे हैं। ये सारे पेड़
इमली के पेड़ को छोड़कर सारे पेड़ जो हैं मतलब हमारे पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। देशों के नाम, जितने भी देश के नाम हैं, हमारे देश का नाम, हमारे पड़ोसी देशों का नाम सभी पुल्लिंग है, राज्यों का नाम, समुद्रों का नाम, ग्रहों का नाम, ये सारे हमेशा हमेशा पुल्लिंग रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे राजा के लिए हमने रानी करके उसका लिंग बदल दिया, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लिए ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग शब्द नहीं चलते, एक ही शब्द रहता है, उसके आगे अगर पुल्लिंग है तो नर बिठा दिया जाता है और अगर स्त्रीलिंग है तो मादा बिठा दिया जाता है। जैसे नर खरगोश मादा खरगोश, ठीक है, नर कौवा मादा कौवा, ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे जिन शब्दों के पीछे आ लगता है, पन लगता है, पा लगता है, अक लगता है तथा न लगता है, वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मतलब ये देखिए, इतने सारे शब्दों को तो कौन कौन से पुल्लिंग है, हिंदी भाषा की जो वोकैबुलरी है इतनी ज़्यादा है, इतने सारे शब्दों को याद रखना तो संभव नहीं है, कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, इसलिए कुछ कॉमन नुस्खे होते हैं, कुछ कॉमन टिप्स होते हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो उनसे जुड़े हुए बाकी शब्दों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से जिन शब्दों में आ लगता है, जैसे लड़का, ये हमेशा पुल्लिंग है आप जानते हैं, फिर जिसमें पन लगता है जैसे बचपन, ठीक है, तो ये हमेशा आपका पुल्लिंग होगा। फिर जहाँ पे पा लगता है जैसे बुढ़ापा, ठीक है, अक लगता है गायक, फिर न लगता है लेन देन, ये सारे शब्द हमेशा हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, ये कुछ विशेष बातें हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान यूज होते हैं, ठीक है, एक समान प्रयोग में आते हैं, इनमें इनके प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, इन सारे शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हम दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो पुरुष हैं, इसलिए भी हम जो है मतलब राष्ट्रपति यूज़ करते हैं। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमारी राष्ट्रपति थी तब भी हम लोग राष्ट्रपति ही बोलते थे, ठीक है। आप बोलेंगे पति का पत्नी होता है तो राष्ट्रपति का राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक पद है, ये एक पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है, इसलिए इसमें कभी बदलाव नहीं होता है, पद का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, तो ये हमेशा एक ही रहता है। मतलब इन इन सब पदों का, ऐसा नहीं है कि सभी पदों का, जैसे अध्यक्ष अध्यक्षा ऐसा होता है, लेकिन इन सारे पदों का जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी और भी कुछ है इस कैटेगरी में, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, मतलब सॉरी मैंने बोला पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं, हमेशा उभयलिंग मतलब दोनों लिंगों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, पानी, कोयला, ये सारे शब्द कभी भी बदलते नहीं, ठीक है। पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, पानी, कोयला, ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, तो ये आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है। और साथ में जैसे कि मतलब अनाजों के नाम, कुछ धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, अनाज जैसे गेहूँ, तांबा जैसे आपका एक मेटल है, तो ये सारे आपके जो हैं हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सिर, फिर गला, कान, ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, और भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ द्रव्य जो हैं हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, द्रव्य लिक्विड जैसे पानी, दूध, घी, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, ये वाले द्रव्य हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है। अभी ये तो है कि मतलब कौन कौन से रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी रहते हैं, एक्सेप्शंस भी रहते हैं। जैसे आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे विश्वास, परिहास,
उल्लास, ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। वो तो पढ़ते पढ़ते आपको हो जाएगा कि कहाँ पर पुल्लिंग और कहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।